जी इरशाद भाई, वो कंप्यूटर हैंग होने का थोड़ा सा मसला बन गया था। तो ये हमारे पास फाइल थी, तो इसको हम क्या करेंगे, ये हमने लिंक पॉइंट्स को कोड दे दिए और लिंक को कोड अभी हमने यहाँ तक उसने लास्ट सेव किया था। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद ऐड कोड करता हूँ, तो यहाँ मैंने कोड देना है एल फॉर लिंक डैश और SIEE, कोई भी आप दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप यही दें, जिससे आप इजीली उसको एल फॉर लेफ्ट डैश LSIEE, ठीक है। ये आपने कोड दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट आपने ऐड शेप करना है इसको, ठीक है। इसको सेलेक्ट करें, इंटर, ठीक है। अभी आपने इसको इसमें देना कोड, ठीक है। ऐड कोड इसमें आप दें BASE बेस, कोई भी दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये हमने दे दिया। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। पहले मैंने इसको किया था मूव, शायद आपको याद हो, सिंपली मूव, तो मैंने गलती की थी, इसको मूव नहीं करना, ठीक है। इसको आपने करना है ऐड। सबसे पहले आप जाएं, क्योंकि ये नॉर्मल ऑब्जेक्ट, नॉर्मल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं करना आपने इसको, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको ऐड करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ से नहीं चाहिए, मैं इनको डिलीट करता हूँ, ठीक है। ठीक है, अब मैं जाऊँगा दोबारा अपने उसके ऊपर, ठीक है। इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। सेलेक्ट करूँगा इसको मैं, ऐड टू असेंबली, ठीक है, सॉरी ऐड टू असेंबली, ठीक है। और जो यहाँ मेरी असेंबली होगी वहाँ पर जाके इसको मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। तो ये वहाँ से ऑटोमेटिकली मूव हो गया। अब इसमें एक एरर मैंने छोड़ा है, वो कब छोड़ा है नेक्स्ट अभी आपको थोड़ी देर के बाद पता चलेगा, ठीक है। ये बज़ाहिर हमें बिल्कुल ठीक लग रही है, सही है। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे अपना लेन लगाना है रोड का, ठीक है। तो अगर मैं टिपिकल को यहाँ से कॉपी करूँ, अपने नज़दीक लेके आऊँ, जहाँ पे हमें लास्ट में मसला बना था, ये वो टिपिकल था, ठीक है। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से, CO कॉपी, ठीक है। इसको मैं लेके चलता हूँ अपने इधर पास में, ताकि मुझे थोड़ी सी आसानी हो काम करने में। अब अगर आप गौर करें तो देखें कि ये जो हमारा बैरियर है, ठीक है, ये जो हमारी लीन आ रही है, इस पॉइंट से ऑलमोस्ट 2 सेंटी डाउन है। अगर मैं यहाँ से इसको चेक करूँ, सॉरी 2 सेंटी नहीं, जो मेरे पास यहाँ पे आ रही है 7.5 सेंटी, ठीक है। इट मीन कि यहाँ तक मेरी लीन होगी, ठीक है, और फिर 7.5 सेंटी यहाँ पे इस जगह पे मैंने अपना टिपिकल को स्टार्ट करना है। पहले लीन बनेंगे, उसके बाद मेरी बाकी का सारा पेवमेंट का स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। तो फिर मुझे यहाँ पे, मैं यहाँ पे लगाता हूँ जनाब, कहाँ पे, यहाँ पे एक सिंपली मैं लगाता हूँ, लेन पे जाता हूँ, ठीक है, इस पर क्लिक करता हूँ और मैं इसको कॉपी यहाँ पर लगाता हूँ। अब आपने गौर करना है कि मेरा वो कहाँ पे लग रहा है, मेरा तो यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे। मगर मुझे कहाँ पे चाहिए, यहाँ से 7 सेंटी, तो मैं कैसे, यहाँ तो इधर 7.5 सेंटी नीचे एक पॉइंट मुझे यहाँ पे पहले इंटरसेक्शन करना चाहिए था, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि मैंने ये गलती मैंने की थी। अब ये चीज़ आपने पहले इसको ट्रेस जब आपने बनाना है, तो उस वक्त आपने सारे छोटे छोटे जो इसके पॉइंट्स हैं ना, इनको स्केच के साथ आपने पहले स्केच करना है, इसकी रफ स्केचिंग करनी है, ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा इरशाद भाई, कि जो भी टिपिकल आप बनाएंगे ना सब असेंबली कंपोजर में, ये एक तरह की मिनी प्रोग्रामिंग है। जैसे आप प्रोग्रामिंग हम करते हैं ना पाइथन में, पाइथन हो गया, कोई भी होगा, ये एक टाइप की मिनी प्रोग्रामिंग होगी। तो आपने हर चीज़ को डिटेल के साथ देखना है। अब देखिए, ये हमने गलती कर दी है, ये गलती मैंने की नहीं है, लेकिन मैंने जानबूझ के की है, ताकि मुझे इस वक्त ये पॉइंट आपको क्लियर करवाना था। अब
अब हमारी जितनी जितनी मेहनत है वो सारी ज़ाया हो गई है, क्योंकि यहाँ पे वो पॉइंट ही नहीं है जिसके साथ इसको हमने लगाना है। अगर मैं इसको यहाँ पे लगाता हूँ, ठीक है, तो मेरा तो वो मसला नहीं क्लियर हो रहा, क्योंकि मेरा जो PGL है वो इससे, जो इसका टॉप है वो इससे 7.5 सेंटी नीचे है, ऐसी बात है ना। तो उसके लिए क्या करना है कि यहाँ तो मैं फिर यहाँ से अभी इसका जो जिसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं जुगाड़ बोलते हैं अभी, हाँ आपके पता नहीं क्या बोलते हैं, ठीक है। हाँ तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद ये लिंक लगाया मैंने। अब इस लिंक को मैं प्रॉपर्टी में जाके, ठीक है, इसको मैं करूँगा -0.075, ठीक है, ये डाउन आ गया। अब मैंने इसको यहाँ पे ओमिट लिंक करूँगा, ठीक है, ओमिट लिंक यहाँ मैं इसको नो कर दूँगा, नहीं नो नहीं हुआ, इसको मैंने सॉरी ओमिट नो नहीं, इसको मैंने यस करना है, ठीक है। अपने पेपर के ऊपर ना लिख ले ओमिट लिंक यस और नो, ये एक पॉइंट है, ये भी कभी टाइम लगा बाद में तो इसको फिर हम डिस्कस करेंगे, ये बहुत अच्छी चीज़ है, इससे बड़े बड़े हम मुश्किल से मुश्किल जो टिपिकल है ना वो हम ड्रा कर लेते हैं। ओमिट लिंक को कर लें यस, वाई यूज यस और नॉट डिस्क्राइब दिस, इस तरह का छोटा सा कोड लिख ले, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अब देखें कि मैं इसको सेट कर रहा हूँ तो मुझे बज़ाहिर लिंक नज़र नहीं आ रहा, मगर पॉइंट का जो सर्कल है नज़र आ रहा है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें पॉइंट कोड P2 है। अगर मैं इसको यहाँ पे कोई भी लिंक दूँ INST, ठीक है, तो ले रहा है मगर इसका कलर चेंज नहीं हो रहा, इट मीन कि ये फिक्स है। तो मैं इसको यहाँ से P2 ही रहने देता हूँ जो पहले था, ठीक है, P2, ठीक है जनाब। अब हमने क्या करना है, अब हमें यहाँ पे लगाना है एक 20 सेंटी का, ओ सॉरी कितना उसका है, इसकी विड्थ कितनी है इसकी, इसकी मैं इसको यहाँ से चेक करता हूँ एनोटेट में जाके, फिफ्टी सेंटी है, ठीक है। तो मैं इसको लगाता हूँ, अब इसका भी हमें एरिया ही चाहिए होगा, ठीक है, क्योंकि ये भी लीनियर मीटर में आएगा, ठीक है, तो इसका एरिया आएगा। तो उसके बाद हम इसको अगर क्यूबिक मीटर में इसकी क्वांटिटी लेनी है, जो भी आपकी प्रोजेक्ट की डिमांड होगी, ठीक है, तो हमने ये लगाना, तो मैं इस सिंपली यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है। अब मैं लगाऊंगा यहाँ पे एक लेन नॉर्मली, ठीक है, लेन पे जाता हूँ लेन, और यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब आपने कहना ये लेन लगा दिया, तो मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करूँगा। अब देखिएगा कि हम जो सिविल 3D के टूल्स हैं ना, उनकी मदद से अपने टिपिकल को कैसे ट्रेस करते हैं। 2-3 दिन के बाद आपने बोलना कि सब समझने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी, मगर जानना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। अब मेरे पास ये जो ये है ना, जो Pave 1 Pave 2, ये मुझे नहीं चाहिए, 0 0 0, ठीक है, ये मेरे पास कितना था 0.50, और इसकी विड्थ कितनी थी 0.5, और इसकी जो डेप्थ थी वो हमारे पास थी 0.28, ठीक है। और यहाँ से इसको मैं कर देता हूँ नो, ठीक है सर। तो हमारे ये जो ये स्लोप के साथ है, ये चेक करना है हमने कि ये जो लीन है ये स्लोप के साथ है, नज़र आ रहा है कितने परसेंट स्लोप है इसकी, ये मेरे ख्याल से ये 2%, ठीक है, डाउनवर्ड में, ठीक है। तो इसको भी हम क्लिक करते हैं यहाँ से, ठीक है, प्रॉपर्टी में जाते हैं, 2% है, इसका मैं नाम दूंगा PCC, कोई भी नाम दे सकती हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये जो मैंने लगाया था ये वाला पॉइंट, ठीक है, लिंक वर्टिकल, इसको मैं नाम दूंगा SPORT, स्पोर्ट या स्पोर्ट जो भी आप दे सकें, SPORT sport -LINK,
ठीक है, इंटर करता हूँ। अब ऐसा मुझे लेफ्ट साइड पे भी चाहिए, तो मैं इसको देखते हैं इसमें मिरर की ऑप्शन है, इसमें मिरर की ऑप्शन नहीं आ रही, इट मीन कि ये हमें यहाँ से जेनरिक के ऊपर, ये जो हम काम कर रहे हैं ना, ये एक नॉन टेक्निकल काम है, ठीक है, अपने टेक्निकल काम को नॉन टेक्निकल तरीके से हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें चाहिए था कि हम यहाँ पे पॉइंट देते, लेकिन मैंने दोनों एरर को छोड़ा इसलिए है ताकि जब मैं इसको सॉल्व करूँ तो आपको पता हो कुछ टेक्निकल चीज़ें हम नॉन टेक्निकल तरीके से भी कर सकते हैं, यूनिट के हर चीज़ को हम वैसे ही करें जैसे कॉलेज में पढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है रिशाद भाई, यहाँ तक क्लियर है? ये मेरा SPORT स्पॉट लेफ्ट, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, और इसको मिरर करता हूँ, तो ये यहाँ पे मिरर होगा, ठीक है। ये मेरा राइट PCC था, और ये मेरा कौन सा है, हर चीज़ के आपने प्रॉपर नेम देने हैं ताकि जब आपने टारगेट्स वगैरह करने हैं ना तो आपको पता हो, ठीक है। अब ये हमने यहाँ तक बना लिया, ये एरिया, इसके बाद हमारा ये आ रहा है लेन, ऐसे है ये राइट लेन है, ये यहाँ से कितना है 7 मीटर तक इसका मेन कैरिज हुआ है, उसके बाद पेव्ड शोल्डर है तकरीबन कितना है 2 मीटर का, मगर पेव्ड शोल्डर में प्रॉब्लम ये है कि वो यहाँ से ऐसे इस शेप में चाहिए, ठीक है। अगर ये सीधा होता तो शायद हमारा काम चल जाता, ठीक है। अब यहाँ पे आके ना हमें यहाँ तो इस हिस्से को इसी तरीके से पॉलीलाइन बनाना पड़ेगा, या हम सब असम्बली कंपोजर का सहारा लेंगे, ठीक है। अगर ये होता बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है, तो हमारा काम बहुत आसान था, हम सिंपली यहाँ से एक लेन लेते, ठीक है, लेन लेने के बाद ये नेल लेते यहाँ से और इस पर लगाते, ठीक है, क्लिक करते, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या था, 7 मीटर का मेन कैरिज वे और 2 मीटर का पेव्ड शोल्डर, सारे का सारा हम 9 मीटर इकट्ठा कर लेते, मगर यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे एक फाउंडेशन आ रहा है ये पोल का, ठीक है, और उसमें ये चीज़ें इस तरीके से डिस्टर्ब कर रही हैं, तो हमारी यहाँ पर वर्किंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मगर जो जिस चीज़ का कॉन्सेप्ट आपको देना था ना वो मैंने डिलीवर कर दिया है कि इस तरीके से भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब यहाँ तक क्लियर है इरशाद भाई? आपको कोई क्वेश्चन है तो बताएं मुझे इसके मुताबिक जितना हमने किया है। देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि जो कोड है ना, जो डेटम लिंक है, ये हमें उस वक्त चाहिए होता है जब हमने क्वांटिटी कैलकुलेट करनी होती है, ठीक है। अब अगर हमें डेटम की ज़रूरत पड़ती भी है, ठीक है, तो आपका जहन यहाँ पे खड़ा है, आप मुझे बताएं कि अगर हम इस चीज़ को पॉलीलाइन के अंदर बनाते हैं तो मुझे यहाँ पे कोड देने की ज़रूरत है डेटम की? नहीं ज़रूरत। यहाँ पे है? बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे है? बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे जाके मुझे ज़रूरत पड़ेगी। तो आप 5-6 स्टेप आगे चल रहे हैं, ठीक है, इस कोड की ज़रूरत हमें यहाँ पे पड़ेगी। अगर हमें अगर हम ये हिस्सा बनाएंगे ना, ठीक है, ये वाला सही है, तो फिर अगर पूरी लाइन के अंदर, तो फिर हमें प्रॉपर कोड वो डेटम देना पड़ेगा, क्योंकि वो डेटम का कोड हम देंगे तो फिर ही हम उसके साथ कंपेयर करेंगे ना। जब हम कॉरिडोर का सरफेस क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे वो जाके हम बॉटम लिंक करेंगे, ठीक है, फिर बाउंड्री में जाके ऑटोमेटिकली, तो फिर वो एक सरफेस क्रिएट कर देगा जो हमारे सुपर स्ट्रक्चर का जो ग्लास जो बॉटम है वो, जो नेचुरल सरफेस जो OGL है जहाँ पे हम लेयर वाइज फिलिंग करके आ रहे हैं, इन दोनों के दरमियान वो कंपेयर करेगा तो हमें कट एंड फिल देगा ना, तो वो उस केस में हो। जी सॉरी, मटेरियल मीन, जी जी
जी तो बिल्कुल आएगी। फिर आपने ये कंसिडर करना कि आपका टिपिकल ही इतना है, ये जो आपकी ये वाली लाइन है जो मैं लगा रहा हूँ अभी, ठीक है, ये आपके डेटम की लाइन होगी ये वाली। अगर आपने इतना एरिया लेना ना, तो फिर आपने इस एरिया को अपना डेटम डिफाइन करना है। वो एरिया देगा, एरिया में उसे कोई इशू नहीं होगा, एरिया में उसे कोई इशू नहीं होगा। ये थोड़ी सी चीज़ समझे। देखिए डेटम क्यों ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी नहीं है, एरिया क्या है, सुपर स्ट्रक्चर क्या है और हमारी कट एंड फिल क्या है। जो सिविल 3D है, ये जो आपके टिपिकल के ये जो हिस पार्ट्स हैं, ये वाले जो आप यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं, पी की ओ सी, मुझे नहीं पता इसके ये किस चीज़ का स्टैंड फॉर है, DLC, GSV और सब ग्रेड, ये जो आपने डिफाइन किए हैं ना सिविल 3D, इसको अपनी जुबान में कहता है सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है। और इससे नीचे जो आपका एरिया होगा ना, वो होगा सिविल 3D की जुबान में, उसको वो अर्थवर्क कहता है और कट एंड फिल कहता है। दोनों सेम चीज़ हैं, मगर थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, वो जब हम यहाँ पे पहुँचेंगे तो फिर करेंगे। फिल वक्त के लिए इतना याद रखें कि इस लाइन से नीचे जो आपका, अगर आपका ये एनजीएल मान लें, ठीक है, ये आपका एनजीएल है, लाइक समथिंग ऐसे है, ठीक है ना, ऐसे है, तो ये जो एरिया आपका एरिया ये वाला जहाँ पे आपका ये टिपिकल बनेगा, ठीक है, वहाँ पे इस एरिया को जब सिविल 3D कैलकुलेट करेगा ना, तो उसको ये कैलकुलेशन करने के लिए ठीक है, ये जो एरिया मैंने हैच कर रहा हूँ अभी, ये आपको एरिया नजर आ रहा है? देखिए ये जो एरिया है, जब या जिस ये अब यहां पे हमने एक दफा तो फिल नहीं कर देनी, ठीक है, ये आपकी होगी लेयर वाइज, ठीक है, अगर 30 cm की लेयर है या जो भी 25 cm की, जो भी आपके प्रोजेक्ट की क्राइटेरिया के मुताबिक है, वो आप डंप करेंगे, डंप करते हैं उसके बाद आपका वहाँ पे FDT होगा, वो क्लियर होगी, तो फिर आप नेक्स्ट लेयर डंप करते करते आप यहाँ तक पहुँचेंगे, ऐसे ही है ना। मगर सिविल 3D आपको ये टोटल एरिया देगा, उसके बाद इसकी लेंथ से मल्टीप्लाई करेगा और आपको एक क्रॉस सेक्शन टू क्रॉस सेक्शन, अगर 0 to 25 है जो भी इसकी क्यूबिक मीटर है, वो आपको दे देगा। सिविल 3D की ये कैलकुलेशन देने के लिए, ठीक है, उसको ये जो लिंक है ना ये वाला, इसका कोड चाहिए डेटम। अगर ये अब ये जगह आपकी यहाँ भी हो सकती है, आपके केस में जो आप क्वेश्चन कर रहे थे कि मैं यहाँ तक दूंगा, अगर फ़र्ज़ करें कि आपका अभी हमारे इंडिया पाकिस्तान में जो ज़्यादा रोड बन रहे हैं, लोकल रोड्स जो हैं वो पीसी के बन रहे हैं, उसमें वो कंक्रीट डालते हैं और उसको एक ही दफ़ा बना देते हैं, उसकी वो लॉन्ग लाइफ उससे ज़्यादा है, जो गली मोहल्लों में बनते हैं ना, मुझे इंडिया का तो नहीं पता, लेकिन जो हमारे पाकिस्तान में बन रहे हैं अभी, जो लोकल गवर्नमेंट जो काम कर रही है वो यही कर रही है। 20-25 cm की एक लेयर होती है PC की, ठीक है, उसमें थोड़ा स्टील डालते हैं और उसको PCC कर देते हैं। उस केस में ये जो रेड कलर की लाइन आपको नज़र आ रही है, अगर आप उस पर बनाते हैं, ठीक है, फिर तो सब समझ में बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप बनाते हैं फिर भी, तो ये यहाँ पे आपको डेटम देना पड़ेगा, ठीक है, डेटम देंगे तो नीचे की कैलकुलेशन होगी, नंबर एक। अगर सिंपली आपको सिर्फ ये एरिया ही चाहिए ये वाला, ठीक है, कि कितना एरिया आ रहा है, तो उस केस में आपको डेटम देने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट क्लियर हुआ आपको कि नहीं हुआ? मसलन देखिए कि डेटम हम क्यों देते हैं, डेटम कोड हम इसलिए दे रहे हैं ताकि सेक्शन की जो नीचे वाला जो कट एंड फिल है ना उसकी, वो हमें कैलकुलेट करके दे। और क्वांटिटी आपको पता है हमेशा दो सर्फेस के दरमियान जब हम कंपेयर करते हैं तो फिर निकलती है, ठीक है। मैं इसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास, हम कहाँ पे हम थे, हम
क्या बात कर रहे थे जहाँ से हम इस तरह मूव हुए थे कि ये हम आपने कहा था जी कि इसको हमने वो कोड क्यों क्यों कोड कोड कब देना है, यहाँ से हमने इस तरफ हम मूव हुए थे अपने अपने कॉन्सेप्ट से हटे थे। ठीक है, तो ये चीज़ थी कि अगर आपके पास टिपिकल ही आपका सिर्फ इतना है तो फिर आप ये जो नीचे वाली लाइन है इसको आप डेटमा कोड देंगे, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप नहीं देंगे। अब मैं फ़र्ज़ करता हूँ मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ, रिमूव करने के बाद मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि मेरे पास यही एक सिंपली इस चीज़ को चेक करते हैं कि 50 सेंटी तो मैं इसको 9 मीटर कर देता हूँ। ठीक है, और इसको भी 9 मीटर कर देता हूँ। ठीक है, और इसका मैं कोई डोर अंदर के चेक करता हूँ, क्या ख्याल है? सही है ना, मसलन एक हमारे पास ये चीज़ बन गई है। ठीक है, तो मेरे पास ये असम्बली बन चुकी है। ठीक है, इसका नाम क्या है? असम्बली इंडिया। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ इसके ऊपर, यहीं पे चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा 00 है। ठीक है, इसका प्रोफाइल भी बना हुआ है। अब इसका प्रोफाइल कौन सा है इस रोड का? इसका मेरे ख्याल से ये होगा, ये लेफ्ट प्रोफाइल है, ये वाला मेरे ख्याल, ये वाला डिज़ाइन यही है ना। ठीक है, तो मैं अभी क्या करता हूँ कि मैं सिंपली जाता हूँ इसके ऊपर यहाँ पे। ठीक है, एक नॉर्मल कॉरिडोर को रन करता हूँ, कॉरिडोर। ठीक है, यहाँ पे हम इसको नाम देंगे TES-1। ठीक है, डिज़ाइन अलाइनमेंट हमारे पास यही है, डिज़ाइन हाल प्रोफाइल भी यही है, असेंबली यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये टारगेट सरफेस जो है ये है। ठीक है, मैं ओके करता हूँ, करने के बाद मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, मैंने सारे पे रन नहीं करना। ठीक है, इसको यहाँ सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ से लेता हूँ। ठीक है, और मैं इसको सिंपली बस यहाँ तक हूँ। ठीक है, और मसला आ रहा है नेट में शायद। जी ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से ओके करता हूँ। ठीक है, रिबिल्ड कॉरिडोर। ठीक है, ओके, अब ये यहाँ तक इसने इसको रन कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको सेलेक्ट करके, ठीक है, सेक्शंस एडिटर में जाता हूँ यहाँ से। यहाँ पे इसके सेक्शन हम देखते हैं। ठीक है, ठीक है, ये इस सेक्शन बता रहा है इसके। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लेते हैं व्यू एंड एडिट। यहाँ पे मैं डिस्प्ले हॉरिजॉन्टल ग्रिड नो ओके। ठीक है, ये वो सेक्शन उसने बना दिए। ठीक है, अब मैं इसको सैम्पल लेंस से काट के देखता हूँ, जो चीज़ आप कह रहे थे ना कि भाई इसका जो वो एरिया हमें वो देता है कि नहीं देता। ठीक है, इसमें हम क्वांटिटी की बात नहीं कर रहे, इसमें हम इसके जो जो मटेरियल है मटेरियल उसकी बात कर रहे हैं। तो सैम्पल लाइन में जाते हैं यहाँ से। ठीक है, यही है डिज़ाइन हाल ओके। ठीक है, इसमें देखिए सरफेस है एक, और ये टेस्ट वन का नाम का है। ठीक है, इसको मैं कह देता हूँ हमारा ये क्या है, व्यू एंड एडिट ओके। ठीक है, इसको मैं ओके कर देता हूँ, बाय रेंज ऑफ स्टेशंस। ठीक है, ओके, ठीक है, अब उसने सारी पे लगा दी। चलिए बाहर मैं इसके यहाँ तक सेक्शन लगूँगा। ठीक है, सेक्शन की ज़रूरत नहीं है फिलहाल मुझे, मैंने जाना है सेक्शन के अंदर,
कंप्यूट मटेरियल में, ठीक है। यहाँ मेरी सैम्पल लाइन वन है, ये अलाइनमेंट है, इसको मैं ओके करता हूँ। जैसे ही मैं ओके करूँगा, अब यहाँ पे मुझे देखे ये जो एरिया बता रहा है ना, ये वाला कट एंड फिल, ये एरिया मुझे चाहिए, ठीक है। मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मटेरियल लिस्ट, ठीक है, ऐसी बात है ना। अब पेवमेंट मटेरियल, ठीक है ना, पेवमेंट मटेरियल में सबसे पहले क्लिक करूँगा यहाँ पे, बेस वन पेव सब बेस, ठीक है। तो मुझे ये नहीं, मटेरियल लिस्ट कर सॉरी क्या बोल रहे हैं, टेस्ट, ठीक है। अब यहां पे हमने करना है ऐड न्यू मटेरियल, ठीक है, इसी से, ठीक है। अब ये क्या चीज है आपकी, ये सुपर स्ट्रक्चर की है, ठीक है, सही है। सरफेस कॉरिडोर, यहाँ पे ये सरफेस नहीं है, कॉरिडोर शेप है, और यहाँ पे क्या है, पेव वन, ऐसी है ना, क्योंकि ये कॉरिडोर का हिस्सा है ना हमारा। तो इसको मैं यहाँ से ऐड करता हूँ, ठीक है, ऐड हो गई। इसको मैं अप्लाई करता हूँ, ओके करता हूँ, ठीक है, ठीक है, ओके करता हूँ इसको मैं, इसने कैलकुलेट कर दिया। अब मैं जाऊँगा सेक्शंस के ऊपर, क्रिएट मल्टीपल व्यूज, ठीक है, यहाँ पे ड्राफ्ट, ठीक है, नेक्स्ट क्रिएट सेक्शंस। अब मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब ये कहाँ से शुरू हो रहा है, देखें 67 प्लस 02, ठीक है। अब ये यहाँ से शुरू हो रहा है तकरीबन, ठीक है, अब इसमें वो चीज़ नहीं आ रही, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, इस फाइल में पहले वर्किंग हुई हुई है, इसीलिए ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। सैम्पल मोर सोर्स में जाएंगे, यहाँ से हमने ऑल कोड करते हैं, ठीक है, अप्लाई, ओके, ये देखें यहाँ पे आ रहा है। ये हमने पहला सेक्शन चेक किया यहाँ पे, यहाँ पे शायद इसमें कुछ एरर है, यहाँ से वो दे शुरू कर रहा है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे इसके साथ लगाना है वो जो चीज़ आप पूछ रहे थे ना, ठीक है, इसको हमने किस तरीके से इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ सिंपली करने के बाद इसकी ठीक है सेक्शन व्यू ग्रुप प्रॉपर्टी में जाएंगे आप, ठीक है। यहाँ से आपने जाना है चेंज बैंड स्टाइल के अंदर, ठीक है, सॉरी चेंज वॉल्यूम टेबल, इस पर क्लिक करेंगे आप यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे ये बेसिक हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है, तो मैं इसको ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, पीसीसी जो हमने वहाँ पर बनाई थी, ओके करते हैं, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर इसकी वो थोड़ी सेटिंग है, वो हम इसमें मैं नहीं जा रहा, वो टाइम ज़्यादा होगा, तो मैं इसको यहाँ पे अप्लाई करता हूँ इसको, ठीक है, ओके करता हूँ। तो वो जो मटेरियल था हमारा, ठीक है, जो चीज़ आप पूछ रहे थे कि कह रहे थे कि ये चीज़ इसको कैलकुलेट करता ही नहीं करता, ठीक है। अब ये देखिए, अब मैं सिंपली ए को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से अपडेट ग्रुप लेआउट, ठीक है, तो ये वो यहाँ पे उसने शो कर दिया। अब ये इसमें क्यों मर्ज हो रहा है, ये इसकी थोड़ी सेटिंग है वो करनी पड़ेगी, मैं वो भी यहाँ पे एक छोटी सी कर, बल्कि उसकी ज़रूरत नहीं है, वो आपको क्लियर है कि नहीं क्लियर है वाला। देखें अभी फ़र्ज़ करिए मैं पीछे चलता हूँ, जहाँ पे इसकी भी ज़ीरो आ रही है ना, ये अब देखें यहाँ पे ये सेक्शन शो नहीं हो रहा, ठीक है, क्यों नहीं हो रहा, ये 20 यहाँ पर भी नहीं हो रहा, यहाँ पर स्टार्ट हुआ है 80 से, तो इसको चेक करते हैं हम कि ये क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। असल में यहाँ पर हमारा कॉरिडोर रन ही नहीं हुआ, देखें आप गौर करें, ठीक है, वो सही कह रहा है, हमारा कॉरिडोर तो रन हुआ है यहाँ से, इसके पीछे हमारा कॉरिडोर नहीं है, मगर वो सैंपल लाइन लगाते वक्त मैंने
पूरे के पूरे के ऊपर लगा दिया ना, जिसकी वजह से उसने इतने सेक्शंस क्रिएट कर दिए। हालांकि हमें उस वक्त डिफाइन करना चाहिए था कहाँ से लेके कहाँ तक हमें सेक्शंस चाहिए। तो यहाँ से उसने पहला सेक्शन काटा है, ठीक है, 67.8000। तो यहाँ पे वो बता रहा है, ठीक है, ये है वो सेक्शंस, ठीक है, सॉरी ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे बता रहा है इसका एरिया, बता रहा है कितना, 5.0 स्क्वायर, ठीक है। वॉल्यूम इसका दे रहा है 50। अब ये 50 कैसे दे रहा है, क्योंकि 5 मीटर इसने आगे से लिया और पीछे वाले एरिया को ये उसमें ऐड कर रहा है, पीछे वाला तो ज़ीरो है ना। अब यहाँ से उसने आगे हर 20 मीटर पे उसने कैलकुलेट की है, ये 100 का, 80 का और ये 100, यहाँ से यहाँ तक उसका देखें, ये बता रहा है PCC, ठीक है, कम्युलेटिव। अब इस एरिया में बता रहा है, हाँ एरिया देखिए इसका थ्रोट कॉन्स्टेंट ही है, एरिया इसका कॉन्स्टेंट है। अब हम इस एरिया को चेक करते हैं मैनुअल, कितना बनता है ये, ठीक है। वो कैसे चेक करेंगे, अगर इसको मैं क्लोज कर लूँ पॉली लाइन से तो मुझे वो एरिया मिल जाएगा, ठीक है। मैं इसको यहाँ से सेट करता हूँ, लगाने के बाद मैं इसको यहाँ से, ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और कीजिए कि हमने सिर्फ मटेरियल बनाया सिर्फ और सिर्फ अपने लेन का, हमने बैरियर का नहीं बनाया। अगर बैरियर का बनाते तो उसका भी उसने देना था, ठीक है। अब इस पॉली लाइन को मैं सेट करता हूँ यहाँ से, ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टी में जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये 2.51 मुझे एरिया दे रहा है, ठीक है ना। और इसको जब मैं मल्टीप्लाई 2 करूँगा तो ये समथिंग 5 ही समथिंग हो जाएगा, ठीक है। अब सेक्शंस के अंदर देखने के, उसने जो चीज़ देखने वाली है कि सेक्शंस के अंदर उसने बैरियर लगाया, लगा दिया, ये देखिए, ठीक है ना, इसके अंदर उसने बैरियर लगाया, मगर इसको वो हैश नहीं दे रहा, कोड नहीं दे, वो नहीं दे रहा इसको, क्या कहते हैं, मैं इसको थोड़ा चेंज करके देखता हूँ इसको, कोड और, ठीक है, कोड सेट में जाके, ठीक है, शेप में जाऊँगा, ठीक है, P1, ठीक है, P1 नो शेडिंग है, इसको मैं यहाँ से कर देते हैं, हम ये कर्व करके देखते हैं ये क्या बनता है इसका, अप्लाई, ओके, नहीं इसमें नहीं हुआ असल में, हाँ सॉरी P4 की है। तो हमने किसको करना था, हमने करना है इसको बैरियर को, अब इसमें बैरियर नहीं आ रहा, इट मीन्स इसने असेंबली यहाँ से रन तो की है। अगर इसको यहाँ पे मटेरियल देना है तो हमें पहले यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या है, उसने ये चीज़ यहाँ से उठाई है, इसको सेम ऐसे वहाँ पे शो करना चाहिए था जी। नहीं वो शेप तो दे रहा है, शेप का इशू नहीं है, मतलब शेप का इशू नहीं है। मैं जैसे ये शेप आ रही है ना इसके अंदर, तो मैं कह रहा था कि इसके अंदर भी इसकी ना सेक्शन प्रॉपर्टी सेक्शन इसी से जी ये ले, ठीक है। वो वहाँ पे हमने जो कोड थे ना उसके, वो वहाँ पे व्यू एडिट किया हुआ था, अभी इसने वहाँ से उठा लिया। मैं ये कलर की बात कर रहा था, क्योंकि यहाँ से उसने वो ब्लैंक दे रहा था ना, ठीक है। तो वो जो चीज़ आप भी कह रहे थे, अब देखिए यहाँ से वो पॉइंट बेहतर क्लियर होगा। अब ये जो एरिया दे रहा है ना ये वाला, ठीक है, ये हमें दे रहा है PCC का, ऐसी बात है ना। तो हमने, हमें इसका भी चाहिए, सही है ना। यानी ये जो है, अगर इसका अब हर सेक्शन के, ये यहाँ पे एक चीज़ नोट करनी है आपने, अब इसका हर सेक्शन में एरिया चेंज नहीं होगा,
ठीक है ना, ये एरिया इसका कांस्टेंट रहेगा। तो वो हम कैसे निकालेंगे, वो हम निकालेंगे यहाँ से, ये जो आपने बनाई थी ना पॉली लाइन के साथ, ठीक है, इसका एरिया में भी वो यहाँ पे शो ना करें, क्योंकि इसका एरिया तो ये जो ये हमारी लीनियर मीटर में होगी, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे शो कर सकता है लेकिन थोड़ा सा टाइम लेगा, थोड़ी सेटिंग को चेंज करना पड़ेगा, मगर ये कोई इतनी बड़ी आइटम नहीं है, ठीक है। इसको आप यहाँ से नॉर्मली अगर क्लिक करें पॉली लाइन से तो आपको इसका एरिया मिल जाएगा, और एरिया को मल्टीप्लाई कर दिया हम लेंथ के साथ, आपके पास जितनी भी लेंथ है ये है, ठीक है, पॉली लाइन, ठीक है, यहाँ पे जाएं आप, ये आपका एरिया आ रहा है, ठीक है, ये आपका बैरियर का, इसको आप मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास छः किलोमीटर है, इट मीन 6000 मीटर, ठीक है, और ये आपकी कंक्रीट आ गई है 2436 क्यूबिक मीटर, ठीक है। इसमें अगर आप रेशो के हिसाब से जो भी आपने करना है वो एक्सेप्टेड मैटर है, ठीक है, यानी कि ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। अगर बिल फर्दर सिंगल थ्रेड नहीं भी देता तो इसमें इतना टायर्ड होने की ज़रूरत नहीं है यार, ये भी शो करे, वो कर देगा, थोड़ी सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी एक्सप्रेशन के साथ, वो आगे पीछे, लेकिन वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, मगर जो मेन चीज़ थी जी जो करने वाली की वो हमने कर ली है, ठीक है। तो ये था फ़ायदा पॉली लाइन में काम करने का, ठीक है, सही है। अब बाकी का हिस्सा हमने इसलिए नहीं बनाया इसमें क्योंकि यहाँ पे मैं प्रॉब्लम आ रही है, अगर यहाँ पे ये हमारा एरिया ऐसे होता ना, ठीक है ना, आपके पास जब आप काम करेंगे तो ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे टिपिकल ऐसे ही होंगे, कुछ टिपिकल आपके पास ऐसे भी आएंगे जो यहाँ से, जैसे यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं बिल्कुल स्ट्रेट, और यहाँ भी होंगे, ठीक है, नॉर्मली, तो उसमें पॉली लाइन काम कर सकती है, मगर कहाँ पर काम नहीं करती और कहाँ पर काम करती है इन दोनों के डिफरेंस का पता होना चाहिए जी। बताएं कोई इसके मुतालिक जो हमने आज किया है, क्वेश्चन है आपका तो बताएं मुझे। ठीक है ना, यानी ठीक है, और इंशाल्लाह कल जो काम करेंगे हम, कल हम इस चीज़ को, ठीक है, ये मैंने बना के रखी हुई है ना उसमें अपने कंप्यूटर में ऑफिस में, ये चीज़ मैंने बनाई है, ठीक है, तो इंशाल्लाह कल हम कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर ना इसको सब असम्बली में बनाएं, ठीक है, ठीक है। अब सब असम्बली में जब बनाएंगे तो आपका इस पर पूरा कंट्रोल होगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट मैं ऐड और कर दूँ, इन केस यही बैरियर है इसी प्रोजेक्ट के किसी पोजीशन पे, इसकी विड्थ चेंज हो जाती है, यहाँ से वो कहते हैं विड्थ इसकी इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है, ठीक है, ऊपर से इंक्रीज़ हो जाए, थोड़ी इसकी हाइट बढ़ जाए, तो इसका मतलब है फिर ये जो हमने बनाया ये वाला ओल्ड लाइन में, ये तो वहाँ काम नहीं करेगा, ये तो फिक्स है। और अगर इसी को हमने बनाया होता सब असेंबली कंपोजर के अंदर, ठीक है, और ये जो इसकी जो ज्योमेट्री है इसको कोड दिए होते तो इसको हम दोबारा यूटिलाइज कर सकते थे, वो कैसे वो इंशाल्लाह कल हम करेंगे, ठीक है। यानी मैं जो ये चीज़ तो ये मैं स्किप कर सकता था, मगर इसको मैंने इसलिए आज टच किया है ताकि आपको पॉली लाइन का ही पता हो, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, और यही ऑब्जेक्ट जब आप 2-3 घंटे लगा के या 4 घंटे लगा के सब असेंबली कंपोजर बनाते हैं तो उसका और इसका डिफरेंस क्या होगा, उस पर सब असेंबली कंपोजर पर आपकी पूरा कंट्रोल होगा, उसको जब चाहें जहाँ चाहें बड़ा कर सकते हैं छोटा कर सकते हैं, वो वेरिएबल होगा, हर चीज़ उसकी डायनेमिक होगी, ये जो है ये फिक्स चीज़ होगी, ये चीज़ भी बहुत अच्छी है, मगर एक क्विकली काम जिसकी रफ कैलकुलेशन आपने करनी हो उसके लिए बेस्ट है। जी सर, चलें इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, कल हो सकता है मेरी छुट्टी है तो अगर आप कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन फिर भी थोड़ा काम शाम करते हो, यही टाइम आ ही जाना, गाँव में ऑफिस चले जाना, जी जी अभी यहाँ पे 7:40 हुए, असल में मसला ये है इरशाद भाई कि जब हम निकलते हैं ना ऑफिस से सुबह के टाइम जाने के वक्त रश कम होता है, ठीक है, और जो ड्यूटी की जो छुट्टी का टाइम है वो 3-3:30-4 बजे, ठीक है, उस वक्त ना हर आदमी, तो ये तकरीबन इतना ट्रैफिक का फ्लो है, ठीक है, कि
ये ड्राइव तो सारी 20-25 मिनट की है, मगर आते आते अगर 4 बजे भी निकलूँ तो घंटा डेढ़ घंटा, घंटा 40 मिनट 45, फिर आगे खाना खाना, थोड़ी सी घर में बात की है करनी है, उसके बाद ही फिर सारा सेटअप स्टार्ट करना पड़ता है। तो बजते बजते 6 बज जाते हैं, जितनी भी जल्दी करूँ। तो ये है कि 4:40 आपके इंडिया के, 4:40 यानी ऑलमोस्ट 5 बजे तकरीबन, 4:40 20 मिनट कम 5 यानी, चले इंशाल्लाह ठीक है फिर सर। तो वो आपकी कंपनी का जो भी अरेंजमेंट हुआ मुझे बताइएगा, और अगर इसके अलावा कुछ और आपके दो कुछ और कुलीग्स हों जो बिगनर हों कॉलेज में, इन्होंने बेसिक से लेके सारा काम करना हो, तो मेरे पास काफ़ी प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं, तो मैं इंशाल्लाह जो चीज़ आपको करवाऊँगा ना इरशाद भाई, जो बिगनर होंगे उनको मैं ये चीज़ नहीं होगी, आपने शायद फील भी किया होगा, मैं कोशिश करूँगा कि फुल डीपली जितनी भी एरर्स हैं जो बाद में ना हो, तो मेरा अपना ज़मीर मुतमिन नहीं होता कि किसी के साथ आदमी काम करे ना, तो उसको पूरा इन्वायरमेंट देना चाहिए। अगर इंशाल्लाह कोई दोस्त आते हैं तो मैं कॉपरेट करूँगा इंशाल्लाह, जो ट्रेनिंग होगी ना वो लाइव प्रोजेक्ट्स के ऊपर होगी, मतलब जिस तरह जो प्रोजेक्ट की रियल वर्किंग है ना उसके ऊपर, ये बुक्स वाला सीन नहीं होगा। ठीक है, अगर आपके साथ कोई टच में होता है तो मोस्ट वेलकम। ठीक है भाई, फिर मुझे इजाज़त दें, ओके, अल्लाह हाफिज़।